नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ संध्या। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत विगत 19 मार्च को एक युवक द्वारा दंपति से मारपीट की गई। पूरा मामला पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा आज सीओ सिटी रुद्रपुर ने अपने कार्यालय में किया। विगत 19 मार्च को रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मीना अरोरा अपने पति अरुण अरोरा के साथ स्कूटी से सवार होकर जा रहे थे कि तभी काशीपुर बाईपास रोड स्थित आस्था इलेक्ट्रॉनिक के सामने कुछ लड़के नशे में धुत वाहन संख्या UK06AR6232 में सवार युवक लाठी डंडों से लैस होकर मारपीट करने लगे। इसी बीच वहां पर भीड़ एकत्रित होते देख आरोपी जान से मारने की धमकी, मारपीट, गाली गलौच देते हुए फरार हो गए। यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने मीना अरोरा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी मनीष चौधरी निवासी डिबडिबा ग्रीन पार्क को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले का खुलासा आज सीओ सिटी अभय सिंह ने अपने कार्यालय में किया। ये 20 मार्च 2022 की घटना है। रात करीब 9 बजे मीना अरोड़ा जी हैं जो अपने पति वरुण अरोड़ा के साथ स्कूटी से जा रही थी। इसी बीच में एक i20 वाहन जो बैक हो रहे थे तो दोनों गाड़ियों में टच हो गए। इसमें उसका जो ड्राइवर था मनीष चौधरी, उन्होंने निकल करके और हाकी से इनकी गाड़ी को मारी और इनका ये कहना था कि इनके साथ अभद्रता करी। और इसमें वीडियो बनी थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा था। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। करने के बाद इस अभियुक्त की जो कि उत्तर प्रदेश डिबडिबा का रहने वाला, इसकी आज अरेस्टिंग की गई है। पूर्व में हमने इसमें 341 और 504 IBC में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज इसमें 323, 354, 506 और 427 IPC की बढ़ोतरी करके अरेस्टिंग करी है। माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया है। गाड़ी बरामद करने की कोशिश गाड़ी में ये बिल्कुल इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है। i20 गाड़ी जिसका घटना में प्रयोग हुआ था वो वाहन और ये अभियुक्त दोनों आज गाड़ी भी बरामद करी गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया।